गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स, आज अपन बात करते हैं बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। मैं मेहता पीजी कॉलेज से जो है आपकी क्लासेज के लिए हूँ। आज मैं आपको एक छोटा सा बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करती हूँ कि सेल डिवीजन। कि सेल डिवीजन होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ कि सेल डिवीजन जो है वो किसने खोजा था। सेल डिवीजन को हिंदी में कहते हैं कोशिका का विभाजन, कि कोई भी कोशिका कैसे विभाजन करती है। जब कोई कोशिका विभाजन करती है उसके बाद में ही उसके अंदर सेल्स की सेल्स बढ़ती हुई चली जाती हैं। जैसे जैसे सेल्स डिवीजन करती हैं तो सेल्स का नंबर जो है वो इंक्रीज होता हुआ चला जाता है। तो सेल डिवीजन जो शब्द है वो सबसे पहले किसने दिया था, रॉबर्ट ने खोजा था। जब रॉबर्ट ने सेल डिवीजन शब्द के लिए एक शब्द दिया कोशिका का विभाजन, तब उसने एक बात बताई थी कि किसी भी कोशिका में क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, केंद्रक जिसको हिंदी में कहते हैं वो प्रेजेंट होता है। तो केंद्रक की खोज भी किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। और क्या कहा कि किसी भी कोशिका के अंदर दो कंटेंट यानी दो पदार्थ प्रेजेंट होते हैं। एक पदार्थ होता है उसका साइटोप्लाज्म और एक पदार्थ होता है उसका न्यूक्लियस। तो साइटोप्लाज्म जो है इसको हिंदी में कहते हैं कोशिका का द्रव और न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं केंद्रक। यानी कि प्रत्येक जो एक सेल से होती है इसके सेंटर पार्ट के अंदर एक न्यूक्लियस जैसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस न्यूक्लियस जैसे स्ट्रक्चर के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल को हिंदी में कहते हैं उसका आनुवंशिक पदार्थ। जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो हर एक जो कोशिका होती है उसके सेंटर में प्रेजेंट होता है। और जो ये सेल्स न्यूक्लियस के फॉर्मेशन में प्रेजेंट होती है, इस सेल के न्यूक्लियस में इसका जो आनुवंशिक पदार्थ प्रेजेंट होता है वो कहलाता है क्रोमोसोम, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम हमेशा इसके जेनेटिकल मटेरियल के फॉर्मेशन में पाया जाता है। और यही जेनेटिकल मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका में और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होता है। इसी से हर एक कोशिका की पहचान होती है कि किसी का क्रोमोसोम कितनी संख्या में प्रेजेंट है और कैसे फॉर्मेशन में प्रेजेंट है। तो जैसे सपोज करो कि अपना क्रोमोसोम जो है वो 46 होता है, तो अपना फेस, अपनी हाइट, अपना कलर सब किस पे डिपेंड करता है, इस क्रोमोसोम के नंबर पे डिपेंड करता है कि हमारे फादर और मदर से जो हमारी बॉडी में क्रोमोसोम जो जनरेट हुए यानी कि इस जेनेटिकली मटेरियल से जब वो ट्रांसफ़र हुए तो इसमें से कितना परसेंट अपने मदर से ट्रांसफ़र हुआ और कितना परसेंट फादर से ट्रांसफ़र हुआ। 50-50% होता है, लेकिन ये माना जाता है कि ये लगभग 98% के लगभग जो है वो ट्रांसफ़र होता है। तो जो 2% होता है वो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं उनके आनुवंशिक पदार्थ के अंदर प्रेजेंट होता है। और वो किसके फॉर्मेशन में होता है, ये जो क्रोमोसोम होते हैं इनके ऊपर जीन प्रेजेंट होते हैं। ये जीन जो है क्या करते हैं, उस कोशिका से अगली नेक्स्ट जो पीढ़ी आएगी उसके अंदर इन न्यूक्लिक एसिड के ऊपर जो उपस्थित जीन जैसी स्ट्रक्चर है वो जीन उनको क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। अब अपन चलते हैं आगे की बात पे कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। हर एक कोशिका के अंदर ये उसका साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि जो जेनेटिकल मटेरियल है इसको हाइड्रेशन भी चाहिए और डिहाइड्रेशन भी चाहिए। तो जब ये न्यूक्लिक एसिड यानी कि जेनेटिकली मटेरियल जब क्या करता है, अपना डिवीजन शुरू करता है, तब इसका न्यूक्लिक एसिड में डिहाइड्रेशन होता है। लेकिन जब ये डिवीजन की प्रोसेस को कंप्लीट कर लेता है तब इसकी बॉडी के अंदर हाइड्रेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है। तो ये जेनेटिकली मटेरियल जो है उसको प्रोटीन्स हैं, वाटर है, मिनरल्स हैं, आयंस है, इन सब की जो नीड है वो किससे कंप्लीट होती है,
साइटोप्लाज्म से कंप्लीट होती है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। ये तो सिंपल समझाया मैंने कि किस तरीके से सेल डिवीजन करती हैं, और सेल का जो डिवीजन है वो तीन टाइप का होता है। अब चलते हैं अपन इसके आगे के पॉइंट्स के ऊपर कि किस तरीके से एक सेल डिवीजन और किस किस टाइप से वो करती है, जिसके कारण उसकी सेल्स संख्या में बढ़ती हुई चली जाती है। तो सेल डिवीजन के टाइप्स की बात करते हैं अपन। एक टाइप होता है इसका ए माइटोटिक डिवीजन। ए माइटोटिक डिवीजन को कहते हैं असमसूत्री विभाजन। नाम है असमसूत्री विभाजन। सेकंड डिवीजन आता है माइटोटिक डिवीजन। इसको हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन। और एक डिवीजन होता है मियोसिस। मियोसिस डिवीजन, जिसको हिंदी में कहते हैं अर्ध सूत्री विभाजन। तो मेन रूप से सेल डिवीजन जो है, कोशिका का विभाजन, वो तीन टाइप्स का होता है। एक होता है ए माइटोटिक डिवीजन, एक होता है माइटोटिक डिवीजन, और एक होता है मियोसिस डिवीजन। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं किसकी, ए माइटोटिक डिवीजन की। नाम है हिंदी में असमसूत्री विभाजन, यानी कि समसूत्री विभाजन के समान तो होगा, लेकिन कैसा होगा, ए माइटोटिक डिवीजन होगा, असमसूत्री विभाजन होगा। तो पहले मैं आपको असमसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन के बारे में समझाती हूँ कि समसूत्री विभाजन और असमसूत्री विभाजन दोनों में क्या डिफरेंस है। जब कोई पेरेंटल सेल 2n होती है, यानी कि डिप्लोइड सेल होती है, जब वो डिवीजन करे और जब वो डॉटर सेल वापस बनाती है, तो वो डॉटर सेल भी हमेशा क्या रहे, 2n ही रहे। ये पेरेंटल सेल है जो डिवीजन के बाद में भी क्या बना रही है, 2n ही बनाती हो, तो हम उसको क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन। लेकिन दोनों में एक अंतर है, सबसे मेजर अंतर क्या, कि जितने भी हायर प्लांट्स होते हैं, हायर प्लांट्स के अंदर हमेशा कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। लेकिन जितने भी लोअर प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स निम्न कैटेगरी के जो पादप होते हैं, उनके अंदर हमेशा क्या होता है, असमसूत्री विभाजन होता है, जिसको हम किसके फॉर्मेशन में पढ़ते हैं। जैसे हम बात करें एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, तो एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को हमने क्या किया, दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक क्रिप्टो लोअर क्रिप्टोगेम्स में और एक हायर क्रिप्टोगेम्स में। तो लोअर क्रिप्टोगेम्स के जो फॉर्मेशन में जब हमने इसको डिवाइड किया, तो एल्गी और फंजाई को रखा। तो एल्गी और फंजाई जब अपना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कंप्लीट करती हैं, तो वो किसके द्वारा करती हैं, ए माइटोटिक डिवीजन के द्वारा कंप्लीट करती हैं। लेकिन उसकी जगह हम हायर प्लांट्स की अगर बात करें, तो हायर प्लांट्स जो है वो अपना किस कौन से डिवीजन के द्वारा कंप्लीट करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इस माइटोटिक डिवीजन, इस समसूत्री विभाजन के द्वारा कंप्लीट करते हैं। अब मैं आपको इसको समझाती हूँ एक डायग्राम के द्वारा कि किस तरीके से ए माइटोटिक डिवीजन जो है वो किसी सेल्स के अंदर कंप्लीट होता है। जैसे ये एक सेल है, इसके अंदर ये इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये इसकी सेल जिसमें क्या भरा हुआ है, इसका साइटोप्लाज्म, ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, इसका न्यूक्लियस। जैसे ही ये सेल कौन सा डिवीजन करेगी, ए माइटोटिक डिवीजन, तो जब ये ए माइटोटिक डिवीजन करती है, तो
तो सबसे पहले इनके जो न्यूक्लियस वाली सेल्स होती हैं इनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है। ये कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है और इस कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण इस तरीके से ये दो सेल बन जाती हैं और इस तरीके से इनका न्यूक्लियस जो है वो सेपरेट हो जाता है। तो इनका न्यूक्लियस का जितना क्रोमोसोम नंबर था वही क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है, लेकिन ये पाया किस में जाता है, फंजाई में और एल्गी में। तो ये दोनों क्या कहलाते हैं, डॉटर सेल। ये दोनों क्या कहलाते हैं, डॉटर सेल कहलाती हैं। तो जो ये सेल्स इनकी पेरेंटल सेल थी, इस पेरेंटल सेल के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर थे सेम वही क्रोमोसोम इनके डॉटर सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इस प्रकार की प्रोसेस जो है वो किस में पाई जाती है, फंजाई में पाई जाती है और एल्गी में पाई जाती है। तो ये है ए माइटोटिक डिवीजन। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल से समझाती हूँ कि ए माइटोटिक जो डिवीजन है वो भी किसके समान होता है, माइटोटिक डिवीजन के समान होता है, लेकिन केवल किस में चेंजेज हुआ, ये लोअर क्रिप्टोगेम्स में पाए जाते हैं, वो हायर क्रिप्टोगेम्स में पाए जाते हैं। लेकिन इनमें जब ये सेल डिवीजन की प्रोसेस होती है, इसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, इसके न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, तो यह भी इसमें फोर सेल स्टेज में ही कंप्लीट होता है, जिसको मैं आपको एक बार समझाती हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी जो हैं वो फोर सेल स्टेज होती हैं और किस तरीके से जो हैं वो अपना डिवीजन करके और अपने डॉटर सेल्स के साथ बनाती हैं। तो ये जो डिवीजन होता है इसके अंदर, इसकी जो स्टेज होती हैं वो भी इसकी फोर स्टेज होती हैं। एक स्टेज होती है इसमें प्रोफेज, एक स्टेज होती है मेटाफेज, एक स्टेज होती है एनाफेज और एक स्टेज होती है टीलोफेज। टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो ये जो प्रोफेज है ये सबसे लॉन्ग फेज होती है और जो इसकी मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होती है ये इसकी क्या होती हैं, शॉर्ट फेज होती हैं। और ये सारी क्या होती हैं, इसकी लॉन्ग फेज होती है। तो जो प्रोफेज स्टेज है वो लॉन्ग फेज क्यों कहलाती है, क्योंकि प्रोफेज एक ऐसी स्टेज होती है जब यह इसके सेल्स में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो किसके फॉर्मेशन में पाए जाते हैं, थिन फाइबर के फॉर्मेशन में पाए जाते हैं। तो थिन फाइबर के फॉर्मेशन में पाए जाने की वजह से वो क्या हो जाते हैं, सबसे पहले अपने जो थिन फाइबर होते हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्टेड करते हैं और कॉन्स्ट्रिक्टेड करने के बाद में उनको क्या करते हैं, उनके पेयर बनाते हैं। और वो पेयरिंग की जो प्रोसेस होती है कम्प्लीट वो किस में होती है, प्रोसेस जो प्रोफेज जो स्टेज होती है उसमें कम्प्लीट होती है। उसके बाद में वही क्रोमोसोम जो पेयरिंग बनाई है वो मेटाफेज स्टेज में केवल मेटाफेज प्लेट पे आते हैं और उस प्लेट पे आधे क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमियर के द्वारा क्या होते हैं, प्लेट से जुड़े हुए होते हैं। तो उन जब वो प्लेट से जुड़े हुए होते हैं उसके बाद में जैसे ही एनाफेज स्टेज आती है तो वो सेपरेट होते हैं। सेपरेट होने के कारण वो क्या करते हैं, इनके जो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनकी तरफ क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। इसलिए मेटाफेज और एनाफेज स्टेज में सबसे कम टाइम लगता है, टीलोफेज स्टेज में केवल उनको वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को अपेयरिंग करना होता है। तो इन दोनों के कंपैरिजन में, मतलब मेटाफेज और एनाफेज के कंपैरिजन में थोड़ा टाइमिंग लगता है टीलोफेज में, बट प्रोफेज के स्टेज के कंपैरिजन में बहुत कम टाइम लगता है।
तो टीलोफेज स्टेज में क्या करते हैं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियर जो मटेरियल होता है उसके चारों तरफ वापस जो सेल वॉल होती है, उस जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है, उस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन का क्या स्टार्ट कर देते हैं, फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो ये तो हुआ ए माइटोटिक डिवीजन। अब अपन बात करते हैं किसकी, माइटोटिक डिवीजन की। माइटोटिक डिवीजन जो है वो एक हायर प्लांट्स में पाया जाता है। माइटोटिक डिवीजन किस में पाया जाता है, हायर प्लांट्स में पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं इसके डिवीजन की कि किस तरीके से। नंबर टू, माइटोटिक डिवीजन की, माइटोटिक डिवीजन जिसको हिंदी में कहते हैं समसूत्री विभाजन। माइटोटिक डिवीजन जो है वो केवल और केवल किस में पाया जाता है, वेजिटेटिव सेल में, सेल में। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी पाया जाता है, लेकिन रिप्रोडक्टिव सेल्स में मियोसिस डिवीजन से पहले यानी कि सेपल पेटल इनके फॉर्मेशन के समय केवल और केवल क्या पाया जाता है, इसके अंदर समसूत्री विभाजन पाया जाता है। तो वेजिटेटिव सेल्स में भी पाया जाता है और रिप्रोडक्टिव सेल्स में भी पाया जाता है। किससे, बिफोर बिफोर मियोसिस, बिफोर मियोसिस जो है किस में पाया जाता है, रिप्रोडक्टिव जो सेल्स होती हैं उनके अंदर भी प्रेजेंट होता है। हम बात करते हैं इसके वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की कि वेजिटेटिव जो सेल्स होती हैं ये जब अपना न्यूक्लियस का डिवीजन करती हैं तो इनकी सेल्स क्या करती हैं, अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करती हैं। तो ये जो वेजिटेटिव सेल्स होती हैं ये और जो ये रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं, अपना माइटोटिक डिवीजन करती हैं। तो जो सेल साइकिल है, जो सेल साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है किससे, इस माइटोटिक डिवीजन से, कि सेल अपनी लाइफ की साइकिल स्टार्ट कर देती है किससे, इस समसूत्री विभाजन से। तो जो समसूत्री विभाजन है ये उसकी साइकिल की एक फेज का पार्ट होती है। इस फेज के पार्ट को क्या किया जाता है कि आगे जाकर के दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, कि जब इसको दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं, एक को डिवाइड कर देते हैं माइटोटिक डिवीजन में और एक को कर देते हैं इसकी मियोसिस डिवीजन में। तो अपन बात करते हैं अब किसकी, इस माइटोटिक डिवीजन के साइकिल की, कि जो माइटोटिक डिवीजन है इसकी जो सेल साइकिल है उसको मेन रूप से दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। एक का नाम रख दिया गया एम्फेज, एम्फेज ये रखा मैंने टू नंबर। ये किसका पार्ट है, एक सेल साइकिल का पार्ट है, सेल साइकिल का जो है ये एक पार्ट है कि सेल साइकिल को दो में डिवाइड कर दिया, एक पार्ट बना दिया उसका इंटरफेज और एक का नाम रख दिया एम्फेज। तो ये एम फेज कौन सी है, यही माइटोटिक डिवीजन वाली फेज जो है वो क्या है, इसकी एम फेज है और ये क्या है, इंटरफेज है। अब जो एम इंटरफेज है उस एम फेज का तो फिक्स है कि वो प्रोफेज मेटाफेज एनाफेज और टीलोफेज में डिवाइड हो जाती है, लेकिन जो इंटरफेज है उसको भी क्या किया गया कि तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया, एक का नाम रख दिया उसके अंदर G1 S और G2। अब मैं आपको ये पूरा इसकी सेल साइकिल से समझाती हूँ कि किस तरीके से इसकी सेल साइकिल जो है वो फंक्शन करती है और किस तरीके से अपने फंक्शन के बाद सेल डिवीजन के द्वारा बनाती है। सेल साइकिल, सेल साइकिल को मेन रूप से क्या किया गया, इस तरीके से डिवाइड किया गया कि 70
45% जो है वो इसकी इंटरफेज का बना दिया गया और बाकी इसकी एम फेज का बना दिया गया। तो ये पूरा पार्ट जो है 75% इसका इंटरफेज पार्ट हो गया। इंटरफेज और ये फेज हो गई इसकी एम फेज। अब जो इंटरफेज पार्ट है इसको क्या किया गया, फिर तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। इसको तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, किसमें, ये है और एक ये पार्ट। कि एक पार्ट जो है वो रखा गया इसका G1, एक पार्ट रखा गया S और एक पार्ट रखा गया G2। G1 S G2 नाम है। G1 किसका करेगी काम, ग्रोथ का काम करेगी, G4 ग्रोथ, S4 सिंथेसिस और फिर वापस G2 भी क्या करती है, ग्रोथ करती है। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन एंजाइम, ये जो फेज है G1 फेज, इसमें प्रोटीन और एंजाइम ये दोनों क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर स्टोर करते हैं। और जो एस फेज है इस स्टेज में क्या होता है, DNA का सिंथेसिस होता है। एस फेज में क्या होता है, DNA का सिंथेसिस होता है। G1 जो फेज है उसके अंदर प्रोटीन और जो है एंजाइम्स का संश्लेषण होता है, और साथ में जो G2 फेज है इसके अंदर RNA, इस फेज के अंदर RNA का सिंथेसिस होता है। प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, एक इसके अंदर एंजाइम का सिंथेसिस होता है। तो इस तरीके से जो है इसके अंदर ये चार जो है वो फेज बनाई गई है, जिसमें से तीन फेज इसकी इंटरफेज की होती है और एक फेज इसकी मेटाफेज की होती है। तो जो इंटरफेज स्टेज होती है वो सबसे लॉन्ग फेज होती है और जो एम फेज होती है वो इसकी एक शॉर्ट फेज होती है। तो जो G1 S और G2 है यहाँ तक की पूरी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होती है उसकी रेस्टिंग फेज में, और एम फेज में केवल वो क्या करती हैं, अपने डिवीजन को कंप्लीट करती हैं। यहाँ केवल एक बार ये अपने प्रोटीन एंजाइम लिपिड्स इनका सिंथेसिस करती है। एस फेज में केवल सिंथेसिस होता है DNA का, लेकिन G2 फेज में जो है वो सिंथेसिस होता है RNA का, और RNA के साथ किसका सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का और एंजाइम का। ये पॉइंट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ RNA का सिंथेसिस होता है और यहाँ पर जो है वो DNA का सिंथेसिस होता है। और जो M फेज है, ये M फेज इसमें क्या करता है, क्रोमोसोम केवल मूवमेंट करता है। तो ये फेज क्या कहलाती है, इसमें क्या करता है, क्रोमोसोम क्या करता है, क्रोमोसोम इसके अंदर मूवमेंट करता है। तो मूवमेंट केवल कौन सी फेज में करता है, एम फेज में करता है। और यही क्रोमोसोम जब G2 फेज के पास पहुंचता है तो यहाँ पर उसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, उसके लिए एंजाइम्स के सिंथेसिस की रिक्वायरमेंट होती है। वो रिक्वायरमेंट कहाँ पूरी करता है, वो G1 फेज में करता है। और जैसे ही वो G1 फेज को क्रॉस करता है तो उसके पास में क्या हो जाती है, एनर्जी स्टोरेज हो जाती है। अब उस एनर्जी से क्या करता है, वो DNA का सिंथेसिस शुरू कर देता है। जैसे DNA का सिंथेसिस शुरू हो जाता है, DNA के सिंथेसिस का मतलब DNA का रेप्लिकेशन, तो DNA का रेप्लिकेशन जो है वो एस स्टेज के अंदर स्टार्ट हो जाता है, और DNA से RNA का सिंथेसिस, प्रोटीन का सिंथेसिस, एंजाइम का सिंथेसिस, वो सब किस में कंप्लीट होते हैं, G2 फेज के अंदर।
अब अपन चलते हैं इसकी, ये तो हुई सिंगल सिंगल फेज इनकी, अब अपन बात करेंगे डिटेल से किसकी, एम फेज की, कि जो एम फेज है इसको एक डिवीजन की फेज भी कहा जाता है। इस एम फेज का दूसरा नाम क्या रख दिया जाता है, डिवीजन की फेज। इसको क्या कहते हैं, इसकी एम फेज। इसका दूसरा नाम क्या होता है, डिवीजन फेज। तो डिवीजन की जो फेज होती है उसकी भी स्टेज होती है, कि डिवीजन की फेज जो है वो फोर स्टेज में कंप्लीट होती है। यह है फोर स्टेज में कंप्लीट होती है, जिनमें से एक स्टेज होती है उसकी प्रोफेज। मेटाफेज एनाफेज और एक होती है टीलोफेज। तो अपन बात करें एक अकेले एनिमल सेल की या एक अकेले प्लांट सेल की, तो प्लांट्स में भी अगर मैं बात करूं कि ऑनियन जो होती है, प्याज जिसको हम कहते हैं, उसके अंदर इन तीनों फेज के लिए अलग अलग टाइमिंग होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाऊं आपको, ऑनियन, ये प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में भी होता है और ये प्रैक्टिकल आप लैब में भी करते हो, कि अनियन की जो रूट टिप होती है उसकी प्रोफेज जो स्टेज होती है वो 71 मिनट, कितनी देर में कंप्लीट हो जाती है, 71 मिनट्स के अंदर उसकी प्रोफेज स्टेज कंप्लीट हो जाती है, और 6.5 मिनट के अंदर जो है इसकी, 6.5 मिनट के अंदर उसकी टीलोफेज स्टेज जो है वो कंप्लीट हो जाती है, और 2.8 मिनट के अंदर उसकी एनाफेज स्टेज कंप्लीट हो जाती है, और 3.4 मिनट 3.24 मिनट में क्या हो जाती है, उसकी टेलोफेज टीलोफेज स्टेज कंप्लीट हो जाती है। ये मैंने आपको एक ऑनियन जो रूट टिप होती है ऑनियन के, उससे समझाया डिवीजन से, कि ऑनियन जो होती है उसकी डिवीजन, अगर हम एक सेल के डिवीजन की बात करें तो उसकी प्रोफेज स्टेज में 71 मिनट्स लगती हैं कंप्लीट होने में, उसी अनियन की मेटाफेज स्टेज को कंप्लीट होने में, इसके कंपैरिजन में आप देख सकते हो कि केवल 6.5 मिनट्स का टाइम ही लगता है, और एनाफेज जो स्टेज है उसके अंदर केवल 2.8 मिनट का टाइमिंग ही लगता है, और जो टीलोफेज स्टेज है उसमें 3.2 मिनट्स का टाइम ही लगता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि एनाफेज स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिसमें पूरे सेल साइकिल की सबसे कम फेज का टाइम जो है वो एनाफेज लेती है, और सबसे ज़्यादा टाइमिंग कौन सी फेज लेती है, प्रोफेज लेती है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको एक मिनट पहले ही बात समझाई थी कि प्रोफेज जो स्टेज होती है उसके अंदर क्रोमोसोम्स के जो फाइबर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने क्रोमोसोम्स फाइबर्स के अंदर डिहाइड्रेशन करते हैं। डिहाइड्रेशन की वजह से क्या होता है कि उनके अंदर कॉन्स्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं संकुचन। उस संकुचन की क्रिया की वजह से वो बिल्कुल पास पास में हो जाते हैं, डेंस हो जाते हैं, और वो अपनी पेयरिंग बनाना शुरू कर देते हैं। तो कितने काम करने पड़ गए, सबसे पहले उनको अपनी बॉडी से अपने जो फाइबर्स हैं उनसे डिहाइड्रेशन करना है, उसके बाद में उनको अपने आप को कॉन्स्ट्रक्टेड करना है, कॉन्स्ट्रक्टेड करने के बाद में उनको अपने बॉडी के उसके अंदर क्रोमोसोम्स फाइबर्स के अंदर अपने क्या बनाने हैं, फाइबर्स से पेयरिंग बनानी है। जैसे हर एक क्रोमोसोम्स के दो पेयर्स होते हैं, तो क्या करते हैं, ये पेयरिंग बनने तक की पूरी प्रोसेस जो है वो किस में कम्प्लीट होती है, प्रोफेज स्टेज में कम्प्लीट होती है। इसीलिए इस प्रोफेज स्टेज में क्या लगता है, सबसे ज़्यादा टाइमिंग लगता है। मेटाफेज में जो है इनके कंपैरिजन में थोड़ा कम टाइम लगता है, लेकिन एनाफेज और टीलोफेज से दो गुना टाइम लगता है। क्यों? क्योंकि इस स्टेज में क्रोमोसोम मूव करते हुए
कहाँ आते हैं, मेटाफेज प्लेट पे आते हैं। प्लेट पे आके वो अपना एडजस्टमेंट करते हैं कि उनके सेंट्रोमियर्स उस प्लेट के पैलर पैलर जो हैं वो अरेंज होंगे, और उनके जो फाइबर्स हैं, फाइबर्स का मतलब क्रोमोसोम फाइबर्स, वो क्या होंगे, पोल और एंटीपोल की तरफ क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। लेकिन एनाफेज जो स्टेज होती है उनमें तो केवल उनको टेल की ओर, कहाँ, पोल की ओर जाना होता है, केवल मूव करना होता है। इसलिए एनाफेज स्टेज में क्या लगता है, कम टाइम लगता है, और उसके बाद में चली जाती है वो उनके टीलोफेज स्टेज में। और टीलोफेज स्टेज में क्या करते हैं, वो केवल डोटर न्यूक्लियस से सेल, डोटर न्यूक्लियस जो होती हैं उनके चारों तरफ उनका साइटोप्लाज्मा और उनकी जो सेल्स होती हैं उनको क्या कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। ये हुआ आज अपना माइटोटिक डिवीजन, कि किस तरीके से सेल साइकिल के अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है। अब अपन बात करते हैं इसके अंदर कौन से डिवीजन की, मियोसिस डिवीजन की। नंबर थ्री, मियोसिस डिवीजन। नाम ही मियोसिस है, इसका मतलब क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, अर्धसूत्री। अर्धसूत्री विभाजन यानी कि क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जाती है, आधी हो जाती है। सपोज करो कि पैरेंटल सेल के अंदर क्रोमोसोम की संख्या 2n है, तो जैसे ही ये मियोसिस डिवीजन होगा उसके बाद क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, n व n, हाफ हाफ हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसको मियोसिस डिवीजन कहते हैं। तो मियोसिस डिवीजन कब पाया जाता है, जब सेल अपने रिप्रोडक्टिव, क्या बनाती है, रिप्रोडक्टिव सेल्स बना करके क्या करती हैं, अपना डिवीजन करती है। तो रिप्रोडक्टिव सेल्स जब अपना डिवीजन करती हैं तो उस टाइम इनके अंदर कौन सा डिवीजन होता है, केवल मियोसिस डिवीजन होता है। इस मियोसिस डिवीजन के बाद में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पहले क्या थे, 2n थे, वो अब क्या बन जाते हैं, n बन जाते हैं। क्यों, क्योंकि जब इनके अंदर दो सेल्स जो होती हैं, जो एक मेल प्लांट से आती है और दूसरी फीमेल प्लांट से आती है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, फ्यूज़न होता है, संयुग्मन होता है, और उस फ्यूज़न की वजह से क्या हो जाती हैं, ये वापस वही 2n में कन्वर्ट हो जाती है। अब 2n में कन्वर्ट होने के कारण ये वापस क्या हो जाती हैं, डिप्लोइड हो जाती हैं। इसीलिए हर एक हायर प्लांट्स में, हर एक ह्यूमन बॉडी के अंदर मियोसिस का होना ज़रूरी है। इसलिए हमेशा प्लांट्स में जब फ्लावरिंग हो जाती है, फ्लावर के बाद में जब मेल और फीमेल ऑर्गन्स यानी एंडोशियम और गाइनोशियम का जब डेवलपमेंट होता है, उसके बाद में एक बार उनके अंदर कौन सी, स्पोर मदर सेल, जिसको शॉर्ट भाषा में कहा जाता है एसएमसी सेल, ये एसएमसी सेल क्या करती हैं, अपना मियोसिस डिवीजन करती हैं, और उस मियोसिस डिवीजन के बाद में क्या बन जाते हैं, हैप्लोइड गैमिट्स बन जाते हैं, और वो गैमिट्स होते हैं एन और एम, यानी मदर में बनेंगे तो मेल वाले एम होंगे यानी हैप्लोइड होंगे, और जब फादर में बनेंगे तो भी वो एन होंगे, और जब ये दोनों वापस फर्टिलाइजेशन के समय फ्यूजन करेंगे तो क्या बन जाएंगे, 2n बन जाएंगे। तो अब ये 2n किसके इक्वलेंट हो गए, उसके पेरेंटल सेल के इक्वलेंट हो गए, लेकिन किससे आए, उसके मदर और उसके फादर से। इसलिए रिप्रोडक्शन से पहले एक बार स्पोर मदर सेल के मध्य क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन, कौन सी सेल में, एसएमसी सेल में। आज अपना टॉपिक जो है वो यहीं कंप्लीट होता है। मैंने आपको समझाया कि सेल साइकिल कैसे कंप्लीट होती है और सेल डिवीजन क्या होता है। कल अपन नेक्स्ट टॉपिक के लिए बात करेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक्स।